ललन भैया, वो झंडू बाम है ना, अपने एरिया में पोस्टर लगवा रहा है। चल ठीक है, देख लेते उसको। अबे जला दिया वे। मालिक माफ कर दो मालिक। चल ठीक है, माफ के आ जाती, पगार पर आधी काट लूंगा मैं। भैया का पोस्टर ही लगेगा। तुमने हमारे एरिया में पोस्टर कैसे लगवाया भाई? हमें 500 रुपया मिला था पोस्टर लगाने का, बाकी सब तुम झड्डू भाई से समझ लो। अबे हाँ जा, मैंने मारा तुझे, जो करना कर ले। देसी पिता रहेगा क्या? तुझे तो मैं इलेक्शन में देख लूंगा। मालिक इलेक्शन में को देखना है, अभी देख लो। अबे मालिक से जवान लड़ाई काम करना अपना। नन्नू भैया, नन्नू भैया, नन्नू भैया, नन्नू भैया, नाम तो सही से ले कम से कम। नन्नू भैया मारो मारी हर में वो मारे तो सब ढंग से। हां मैं मारी लड़ा लो ना। नन्नू भैया हमारे नेता झंडू भैया पधार रहे हैं। नमस्कार गांव वासियों, झंडू छाप याद है ना? आप लोगों का प्यार पहले भी मुझे मिल चुका है, ना मैं काम करता हूँ ना करने दूंगा। आप चूतिए हो चूतिए रहोगे, इसीलिए आप हमेशा हमारे को ही वोट दे और झंडू छाप को विजय बना। क्योंकि मैं काम नहीं आप लोगों के भलाई के लिए करता हूँ, आप लोगों के मजे दिलवाता हूँ। मैं आपको हेलीकॉप्टर दिलवाऊंगा, 3-4 लौंडियों को पीछे लगवाऊंगा। और क्या चाहिए आप लोगों को? सड़क चाहिए? नहीं, लौंडिया चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों की कोई परेशानी है, समस्या है तो हमें बताइए, क्योंकि हम पूरा करने वाले में से नहीं है। नेताजी हमारी भी एक समस्या है, हमारी लुगाई भाग चुकी है, हमें खाली एक लुगाई दिला दी। 5 साल बाद हम तुम्हारे को दिला देंगे। हाँ तो और किसी को कोई समस्या है? हाँ मुझे है। अब बोलिए क्या परेशानी है आप लोगों को? हाँ मुझे आवाज सी रही है, 3 महीने से मैं परेशान हूँ। हमें लगा कि आप लोगों की समस्या बहुत बड़ी है, इसीलिए हम 3 साल बाद इस समस्या से छुटकारा दिला देंगे। अबे तू किधर था बे? नारा लगाओ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे रैली में आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी रैली लग चुकी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। हम हमेशा झूठी खबर दिखाते हैं आप लोगों को, तो हम यहाँ पे एक वोटर से पूछेंगे कि आप किसे वोट देंगे। तो भाई साहब आप वोट किसे दोगे? झंडू बाम को वोट देंगे। क्यों वोट दोगे? वो कुछ काम वाम करता नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा, ये काम तो कुछ यहाँ पे होता नहीं, लेकिन फिर भी वोट उसे ही देंगे। मतलब फटे तो फटे, सलामी तोप से ही देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यूज रिपोर्टर सनी देओल और कैमरामैन शाहरुख खान के साथ। ललन भैया, ललन भैया, ललन भैया, ललन भैया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इलेक्शन में पहली बार खड़ा हो रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो हमें बताएं, हम उसे पूरा करेंगे। वो झंडू बाम से भी वादे करता, हम उसे पूरा करेंगे, एक दिन में पूरा करेंगे। खाली तुम बोलो क्या समस्या है? क्या समस्या है बोलिए आप लोग। मालिक मालिक मेरे पास चप्पल नहीं है। रुक जा, मैं चप्पल का जुगाड़ अभी करता हूँ। मैं तुम सभी लोगों की औरतों को उठा लूंगा। अरे भाई भाई मालिक, अरे सॉरी सॉरी, मैं नहीं उठाऊंगा यार, तुझे चप्पल मिल गया ना। बस खुश रहे, अभी किसी की औरतों को नहीं उठाऊंगा। अगर किसी को कोई समस्या है तो मुझे बताएं, मैं अभी पूरा करूंगा, जल्दी बताओ मुझे। ललन भैया हमारी मेहरारू भाग गई थी। वो झंडू भैया सिर्फ वादे करता है, लेकिन मैं तुझे औरत दिलाऊंगा, ये ले औरत। ये तो आदमी है, शाम तक उसे रखो, वो औरत बन जाएगी। ललन भैया, ललन भैया, तो आप लोगों का वोट अब मुझे ही जाना चाहिए। मैं आपको वोट नहीं दूंगा। कैसे नहीं वोट देगा भाई? तुझे बाबा सिर है, बंदूक दिख रहा है? मैं लोगों का इससे बाबा सिर करता हूँ, ऐसे इस जगह बाबा सिर करूंगा ना, वो झंडू की पार्टी जाते जाते ना 5 साल में तेरे को बाबा सिर तेरा ठीक नहीं होएगा। वोट मुझे ही देना, समझा? नहीं दूंगा। बचाओ, बचाओ, ललन भैया, ललन भैया। तो जैसा कि आप देख सकते हो, वोट ना देने की वजह से इन्हें पेड़ पे लटका दिया गया इस व्यक्ति को। अगर आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इसी तरीके से आप भी लटक जाओगे पेड़ पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर।